पूरे रूम में इधर उधर घूम रहा था। उसको अब शुभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी। अनीता जी ने आदित्य का अच्छा खासा मूड खराब कर दिया था। वो शुभी से दूर नहीं रहना चाहता था। उससे इतने दिनों की दूरी बड़ी मुश्किलों से कटी थी, पर अब एक घर में होकर भी शुभी से दूर रहना ये बहुत ज्यादा मुश्किल था आदित्य के लिए। वो सबको बताने को तैयार था कि शुभी उसकी पत्नी है, पर इस बार अनीता जी राजी नहीं थी। इधर शुभी अपने रूम में आकर सीधे बाथरूम में चली गई। उसे अपने बंद गले के सूट में अनकंफर्टेबल लग रहा था। शुभी चेंज करके रूम में वापस आई और फिर बालकनी में जाकर बैठ गई। शुभी का फोन उसके रूम में एक बार बजकर बंद हो चुका था, पर उसे पता ही नहीं चला। इधर आदित्य से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, कहां हो तुम? तड़प रहा हूं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए। आदित्य ये कहते हुए अब अपने रूम से बाहर निकला और अपने पास वाले रूम्स को देखने लगा। उसने इधर उधर देखते हुए खुद से कहा, दादी ने मेरे पास वाला रूम तो शुभी को बिल्कुल नहीं दिया होगा। अब कैसे पता करूं कि शुभी किस रूम में है? कुछ देर सोचने के बाद आदित्य ने अपने बगल वाले रूम के डोर को हल्का सा धक्का देकर देखा तो उसे पता चला कि रूम अंदर से बंद था। आदित्य ने अब ऐसा ही उसके पास वाले दो रूम के साथ किया, वो भी अंदर से लॉक थे। आदित्य ने अब कुछ सोचते हुए कहा, शायद इन तीनों रूम्स में शानिका, राज और दिया है। मैं दूसरे साइड चेक करता हूं, अगर मेरा अंदाजा सही निकला तो शुभी मुझे दूसरे साइड वाले रूम्स में मिलेगी। आदित्य इतना सोचते हुए अपने रूम के दूसरे साइड बने रूम्स में एक एक करके शुभी को ढूंढने लगा। इस बार वो जिस रूम को चेक कर रहा था वो अंदर से बंद था। आदित्य ने खुश होते हुए कहा, शुभी इसी रूम में होनी चाहिए, पर अगर मेरा अंदाजा गलत निकला और ये रूम में कोई और निकला तो फिर मैं उससे क्या बोलूंगा कि मैं क्यों आया हूं? आदित्य चुपचाप खड़ा होकर रूम के डोर को घूरने लगा, पर फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, क्या पता शुभी इसी रूम में ही हो। आदित्य ने खुद से बातें करते हुए अब डोर को नॉक करना शुरू कर दिया। एक बार डोर नॉक करने पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसने एक बार फिर डोर नॉक किया। वही रूम में शुभी बालकनी से रूम में आ गई और बेड पर लेटी हुई थी कि डोर नॉक की आवाज से वो उठकर बैठ गई। इधर आदित्य ने दोबारा डोर नॉक किया। दूसरी बार नॉक करते ही डोर ओपन हो गया। शुभी को अपने सामने देखकर आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर वो कुछ बोलता उससे पहले शुभी ने आदित्य के मुंह पर ही डोर बंद कर दिया। आदित्य शुभी की इस हरकत पर हक्का बक्का रह गया। उसने अपना सर खुजाते हुए कहा, क्या था ये? आदित्य ने अब दोबारा से डोर नॉक किया। 3 से 4 बार नॉक करने के बाद शुभी ने डोर ओपन किया और वो बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने डोर को धक्का मारकर पूरा खोल दिया। वहीं शुभी वो इस सब के लिए तैयार नहीं थी। आदित्य के डोर को धक्का देने की वजह से उसे धक्का लगा और वो नीचे फ्लोर पर गिर गई। आदित्य जल्दी से अंदर गया और शुभी को उठने में मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने गुस्से से अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, दूर रहिए, पास मत आना मेरे। शुभी, आदित्य ने इतना ही कहा था कि शुभी उठकर उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, आप जाइए यहां से, क्या दादी ने आपको नहीं बताया कि? शुभी आगे कुछ बोलती कि आदित्य ने शुभी का हाथ पकड़कर जल्दी से उससे अपनी बाहों में खींच लिया। शुभी को आदित्य की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। वो आदित्य को अपने आप से दूर करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे पुश करने लगी। वो अभी भी आदित्य से गुस्सा थी, या यूं कहो अब तो और ज्यादा गुस्सा थी। उसे अभी भी याद था कि आदित्य कैसे खिलखिलाकर शानिका से हंसकर बातें कर रहा था। शुभी ने आदित्य को पुश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा हमें ऐसे। आदित्य शुभी की बात सुनकर उससे अलग हुआ। उसका ध्यान खुले हुए डोर पर गया। वो जल्दी से डोर के पास गया और उसने डोर को बंद कर दिया। शुभी की आंखें आदित्य के ऐसा करने पर बड़ी हो गई। उसे लगा था कि आदित्य यहां से जा रहा है, पर उसने तो डोर लॉक कर दिया और अब वो शुभी के पास ही आ रहा था। शुभी आदित्य के करीब आने से पीछे हटने लगी थी, पर थोड़ी ही देर में वो वॉल से टकराकर रुक गई। आदित्य भी अब तक शुभी के एकदम करीब आ चुका था। उसने शुभी को अपने और वॉल के बीच में कैद कर लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए थोड़े गुस्से में उससे पूछा, क्या प्रॉब्लम है मुझसे?
क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो? कितने दिनों बाद तुम्हारे पास हूँ और तुम हो कि? शुभी ने आदित्य की बात को सुन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, दूर हटिए। आदित्य ने शुभी को एक नजर देखा और फिर उस पर झुकते हुए उसे शुभी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम अभी तक गुस्सा हो मुझसे? आदित्य के इस तरह शुभी के कान में फुसफुसाने से शुभी को अपनी बॉडी में गूज़बम्स फील होने लगे थे। आदित्य की नजरें इस समय शुभी पर ही थी। उसकी नजरों से बचने के लिए शुभी ने अपना चेहरा अपने हाथों से छिपा लिया। आदित्य ने इस बार थोड़ा और नरमी से शुभी से कहा, सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे गुस्सा होकर नहीं जाना चाहिए था। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। प्लीज इस बार माफ कर दो। शुभी ने आदित्य की बातों को सुन अपने चेहरे पर से अपने हाथ नीचे किए और अपनी नजरें उठाकर आदित्य की आंखों में देखने लगी। इधर आदित्य की नजर तो शुभी पर ही थी। शुभी की नजरें आदित्य से मिली तो उसने जल्दी से अपना मुंह फिर से दूसरी तरफ फेर लिया। आदित्य ने अब अपने हाथों को वॉल से हटाकर शुभी की कमर पर रख लिए और उसके करीब होते हुए उसने अपना फोरहेड शुभी के फोरहेड से जोड़ते हुए कहा, शुभी कुछ बोलो तो, प्लीज ऐसे बिहेव मत करो। शुभी ने अभी भी अपना मुंह नहीं खोला जबकि वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई थी क्योंकि उसको इस वक्त अपने चेहरे पर आदित्य की सांसें फील हो रही थी जो कि उसको बहका रही थी। आदित्य ने मदहोशी से शुभी से कहा, जॉन प्लीज ऐसे मत तड़पाओ। उस दिन प्लांट में हुए हादसे के बारे में जानकर मेरा मूड बहुत खराब हो गया था, इतना कि मैंने तुम पर सारा गुस्सा निकाल दिया। मेरी और सैम की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, हमारे सारे वर्कर्स की मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। आदित्य की बातों को सुन शुभी अपनी नजरें उठाकर आदित्य की आंखों में देखने लगी पर आदित्य की आंखें बंद थी। उसका सिर अभी भी शुभी के सिर से जुड़ा हुआ था। शुभी अपने मन में सोचने लगी, मुझे भी आदित्य की सिचुएशन को समझना चाहिए था। जो भी आदित्य ने उस दिन कहा उसका मूड वाकई उस समय बहुत खराब था, पर वो आदित्य को शानिका को गले लगाने के लिए माफ नहीं करने वाली। आदित्य ने अपना फोरहेड शुभी के फोरहेड से अलग किया और शुभी के गले लग गया। शुभी भी अब अपने आप को और नहीं रोक पाई। उसने आदित्य को काफी मिस किया था। शुभी के हाथ खुद ब खुद आदित्य की कमर पर आ गए और उसने अपने हाथों को आदित्य की कमर के आसपास लपेट लिया। आदित्य शुभी के इस जेस्चर से खुश हो गया। वो शुभी से अलग हुआ और सीधे खड़ा होकर शुभी को देखने लगा। शुभी ने आदित्य को धक्का देकर खुद से दूर किया। वो उसके पास से जाने को हुई तो आदित्य ने शुभी के बाजुओं को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। आदित्य शुभी को पीछे से गले लगाए हुए था। वो इस पल बस शुभी की खुशबू में खो जाना चाहता था। उसे शुभी के शोल्डर पर किस करते हुए बड़े ही सिलेक्टिवली वे में कहा, I missed you so much, John. तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हारी खुशबू मुझे कितना पागल कर देती है। आदित्य के हाथ शुभी के दोनों हाथों को पकड़े हुए थे और वो शुभी के गले के पास अपनी नाक लगाकर उसको ऐसे सूंघ रहा था जैसे वो बस अभी शुभी का शिकार करने वाला है। शुभी को आदित्य के इतने करीब होने से ऐसा लग रहा था कि मानो हजारों तितलियां उसके पेट में डांस कर रही हो। आदित्य भी अब शुभी से अपनी नजदीकियों को बढ़ाने लगा था। वो धीरे धीरे शुभी के गले को प्यार से चूमने लगा। शुभी ने आदित्य से दूर होना चाहा तो आदित्य ने फिर से शुभी की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। आदित्य ने शुभी के गले पर किस करते हुए कहा, प्लीज लो अभी मुझसे दूर मत जाओ। आदित्य की रिक्वेस्ट सुनकर शुभी का दिल और तेजी से धड़कने लगा। शुभी को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल बस उसके मुंह में आ जाएगा। वो पलटी और आदित्य के गले लग गई। वो अपना फेस आदित्य के सीने में छुपाए हुए थी क्योंकि इस वक्त उसका चेहरा लाल पड़ गया था। आदित्य के चेहरे पर भी एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल आ गई थी क्योंकि शुभी अब उसके पास है। उसने और कसकर शुभी को गले लगा लिया। इधर मायरा आदित्य के रूम में खाना उसकी टेबल पर रखकर वापस आ गई थी। अनीता जी और सपना जी अभी भी लिविंग एरिया में ही बैठे थे। सपना जी ने अनीता जी को इस तरह परेशान होता देख उनसे पूछा, मैडम जी अब गुंजन के आने से इतना परेशान क्यों हो गई हैं? अनीता जी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, सपना हमें गुंजन के यहां आने से कोई परेशानी नहीं है, पर तुम तो अच्छे से जानती हो
आपकी गुंजन कैसी है? हमें गुस्सा तो इन पर आ रहा है, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया कि गुंजन इंडिया वापस आ रही है। सपना जी ने अनीता जी की बात सुन उन्हें समझाते हुए कहा, क्या पता गुंजन बेटी को जो गलतफहमी थी वो सब दूर हो गई हो, इसलिए वो इंडिया वापस आई हो। आप ज्यादा परेशान मत होइए, सब ठीक है। अनीता जी सपना जी की तरफ देखते हुए बोली, हमें नहीं पता सपना कि गुंजन की गलतफहमी दूर हुई है या नहीं, पर हम इस बार गुंजन को कुछ भी ऐसा नहीं करने देंगे कि जिस वजह से हमारा भरा पूरा परिवार फिर से एक बार बिखर जाए। अभी ही तो सब ठीक होना शुरू हुआ है, हम गुंजन को कुछ भी खराब करने नहीं देंगे। अपनी बात कहने के बाद अनीता जी मेन डोर की तरफ देखने लगी, वहीं सपना जी अनीता जी के चेहरे पर डर साफ देख पा रही थी। इधर रूम में शुभी आदित्य के गले लगे हुए, उससे बोली, अब आप जाइए यहां से, किसी ने आपको यहां देख लिया ना तो क्या बोलेंगे हम? अभी घर में काफी लोग हैं, उन्हें हमारी शादी के बारे में नहीं पता, और दादी ने कहा है कि आदित्य ने शुभी को अपने आप से अलग कर उसके मुंह पर अपनी उंगली रख दी और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं जानता हूं दादी ने मुझे सब बता दिया है, पर मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। इतना बोलते हुए आदित्य झुका और उसने शुभी को ऊपर उठा लिया। वहीं शुभी आदित्य की इस हरकत से घबरा गई। वो घबराते हुए बोली, आदित्य आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे नीचे उतारिए, मैं गिर जाऊंगी। आदित्य ने धीरे से शुभी को नीचे उतार दिया और बोला, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, क्या मैं तुम्हें उठा भी नहीं पाऊंगा? शुभी ने हकलाते हुए कहा, नहीं वो मुझे डर लग रहा था। आदित्य शुभी को देख मुस्कुरा दिया, वो उसको अभी इतना अट्रैक्ट कर रही थी कि वो अपने जागते एहसासों को छिपा नहीं पा रहा था। वो झुका और उसने उसके गाल पर किस कर लिया और एक झटके में उसने शुभी को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर सुला दिया। शुभी उठने को हुई तो आदित्य जल्दी से उसके ऊपर आ गया। शुभी ने आदित्य की चेस्ट पर अपने हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा, आप। वो इससे आगे कुछ बोल नहीं पाई, आदित्य की हरकतों को देखकर वो घबरा गई थी। आज आदित्य उसे अलग ही मूड में लग रहा था। उसने शुभी के दोनों हाथों को पकड़कर बेड में पुश कर दिया और जैसे ही शुभी ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि आदित्य ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। आदित्य इस समय सब कुछ भूल बस शुभी से आती खुशबू से बहकने लगा था, यहां तक कि वो अपनी दादी की कही हुई बातें तक भूल चुका था। तो क्या आदित्य और शुभी अपनी शादी को सबसे छिपाने में कामयाब होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए। शुभी के रूम में शुभी इस समय आदित्य की बाहों में थी और आदित्य वो बड़े प्यार से शुभी को लोअर लिप को अपने होठों में लेकर उसे किस कर रहा था कि तभी शुभी के हल्के से करहाने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने उसके लोअर लिप पर उसे बाइट कर लिया था। कुछ देर में ही आदित्य शुभी को बहुत पैशनेटली किस करने लगा था, जैसे कि वो इतने दिनों की अपनी प्यास बुझा रहा हो। शुभी को अब आदित्य से इतना पैशनेटली उसे किस करने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसने आदित्य को पुश किया, पर आदित्य तो आज शुभी के होठों का रस पूरा पी लेना चाहता था। उसे शुभी को छोड़ने की बजाय उसके हाथों पर अपनी पकड़ और ज्यादा कस दी कि तभी चूड़ी टूटने की आवाज आई। आदित्य ने जैसे ही महसूस किया कि उसकी पकड़ से शुभी की चूड़ी टूट गई है तो वो जल्दी से शुभी के ऊपर से उठ गया और शुभी के हाथ को पकड़ते हुए देखने लगा। आदित्य ने परेशान होते हुए शुभी से पूछा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? पर शुभी उससे अभी बोला भी नहीं जा रहा था। आदित्य के उसे किस करने की वजह से उसका चेहरा और उसके होठ लाल पड़ चुके थे। आदित्य ने अब उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार बोला है ये कांच की चूड़ियां मत पहना करो, अगर तुम्हें अभी चोट लग जाती तो। वहीं शुभी थोड़ा नॉर्मल हुई तो उठकर बैठ गई। आदित्य भी शुभी को स्पेस देने के लिए थोड़ा साइड हुआ तो शुभी ने जल्दी से आदित्य को अपने पास खींचते हुए कहा, कांच है पीछे, आपको चोट लग जाएगी, अब बेड से उठिए, मैं अभी बेड साफ कर देती हूँ। आदित्य ने उठने से पहले अपना हाथ शुभी के गाल पर रखकर उससे पूछा, तुम ठीक हो?
शुभी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। अब आप उठिए, मुझे बेडशीट चेंज करने दीजिए। आदित्य बेड से उठ गया तो शुभी भी उठ गई। उसे जल्दी से बेडशीट चेंज कर दी और अच्छे से बेड चेक करने के बाद कि कहीं कोई कांच का टुकड़ा ना रह गया हो, वो मुड़ी तो आदित्य उसके पीछे खड़ा हुआ था और वो उसे ही देख रहा था। शुभी की भी आंखें आदित्य की आंखों से मिली तो शुभी ने अपनी नजरें झुका ली। आदित्य शुभी के पास आया और उसने शुभी की कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। शुभी के हाथ आदित्य की चेस्ट पर आ गए। आदित्य उससे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शुभी ने जल्दी से उससे पूछा, आपने खाना खाया? आदित्य चुप रहा। उसे चुप देख शुभी ने जल्दी से कहा, नहीं ना, मुझे पता था, मैं खाना लेकर आती हूं आपके लिए। शुभी इतना बोलकर आदित्य से अपने आप को छुड़वाने लगी, पर आदित्य ने उसे छोड़ा ही नहीं। उसकी पकड़ अभी भी शुभी की कमर पर कसी हुई थी। वो इस वक्त खाना नहीं खाना चाहता था। वो चाहता था कि वो शुभी को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर सुकून से सो सके। आखिर कितने दिनों बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के करीब थे। वहीं शुभी वो तो बस आदित्य की हरकतों को देख उसे दूर भागने के बहाने बना रही थी। आदित्य के उसके पास आने से वो बहुत शर्मा गई थी। और अब जब आदित्य ने शुभी को नहीं छोड़ा तो शुभी उसके चेहरे को देखने लगी। वहीं आदित्य शुभी को स्ट्रगल करता देख मुस्कुरा रहा था, पर फिर उसने शुभी को छोड़ते हुए कहा, तुम रुको, मैं लेकर आता। इतना बोलकर आदित्य रूम से बाहर निकल गया। शुभी ने उसके जाते ही अपने दिल पर हाथ रख एक गहरी सांस ली। उसके शर्म से इस समय कान लाल पड़ चुके थे। इधर अनीता जी अपने रूम में टहल रही थी कि तभी संजीव जी रूम में आ गए। अनीता जी ने उन्हें देखा तो जल्दी से उनके पास आते हुए पूछा, कहां गए थे आप? टाइम देखिए कितना लेट हो गया है, और अब इतना लेट खाना खाएंगे तो बीमार नहीं पड़ जाओगे? अनीता जी एक सांस में इतना कुछ बोल गई कि संजीव जी उन्हें रोकते हुए कहा, अरे रुको भी, सांस ले लो पहले, और हम खाना खा कर आए हैं। इस पर अनीता जी ने कहा, अच्छा, वैसे भी आजकल आप डिनर बाहर ही करके आने लगे हैं, घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? और ये गुंजन यहाँ क्यों आई है? और जब आपको सब पता था कि वो यहाँ पर आने वाली है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? संजीव जी ने काउच पर बैठते हुए कहा, गुंजन दिया की शादी के लिए यहाँ आई है। उसने हमें दिया की एंगेजमेंट के बारे में बताने को फोन किया था और बताया कि शादी भी यहीं से हो रही है, तो हमने उसे यहाँ अपने घर से ही शादी करने को कहा। आखिर ये घर भी तो उसका ही है। अनीता जी ने संजीव जी की बात सुन बेड पर बैठ उनसे चिढ़ते हुए पूछा, आपने गुंजन को माफ कर दिया और आप ये भूल गए कि उसने विक्रम के साथ क्या किया था? संजीव जी ने अनीता जी की तरफ देखते हुए कहा, अनु, कुछ गलतफहमी थी विक्रम और गुंजन के बीच में, और अब गुंजन की सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। गुंजन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो बदल गई है, और अब आप भी सब भूल कर उसे माफ कर दो, आगे बढ़ो। अनीता जी ने संजीव जी की बात को सुन गुस्से में उनसे कहा, वो आपके भाई की बेटी है, ये बात हम समझते हैं, पर जो उसने हमारे बच्चे के साथ किया हम उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करेंगे। संजीव जी उठकर अनीता जी के पास आकर बैठ गए और उन्होंने अनीता जी को समझाते हुए कहा, अनु, आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि गुंजन ने विक्रम और अदिति की जान ली थी? हाँ, हम मानते हैं कि कुछ गलतफहमी की वजह से गुंजन विक्रम से नफरत करने लगी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने भाई को ही मार देगी। अनीता जी ने गुस्से में संजीव जी का हाथ जो उनके कंधे पर था उसे झटक दिया और उनसे बोली, आपको जो करना है कीजिए, पर इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर गुंजन की वजह से इस घर में दोबारा कोई परेशानी हुई तो हम इस बार गुंजन को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अनीता जी ने अपनी बात कहकर अपना मुंह फेर लिया, पर फिर कुछ याद आते ही उन्होंने संजीव जी की तरफ मुड़कर उनसे कहा, हमने गुंजन को आदि और शुभी की शादी के बारे में नहीं बताया है, इसलिए आप भी मत बताइएगा। संजीव जी ने उनकी बात को सुन हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब, एक घर में होकर आपको क्या लगता है कि गुंजन को पता नहीं चलेगा आदि और शुभी के बारे में?
अनीता जी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पता चलेगा, हमने शुभी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है और आदि को बोल दिया है कि वो जब तक ये लोग यहाँ हैं, तब तक के लिए शुभी से दूर रहे। वैसे भी कितने दिन रहेंगे ये लोग यहाँ पर? संजीव जी ने अनीता जी को देखते हुए कहा, कम से कम 15 दिन तो रहेंगे। तब तक क्या आदि और शुभी ऐसे अलग अलग कमरों में रहेंगे? और क्या जरूरत है शुभी और आदि की शादी के बारे में छिपाने की? अनीता जी ने संजीव जी को अपनी बात समझानी चाहिए, मगर संजीव जी ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, दोनों की शादी को वक्त ही कितना हुआ है और आप हैं कि उन दोनों को अलग करने पर तुली हुई है। आदि वैसे भी अपने काम में बिजी रहने की वजह से शुभी के साथ वक्त ही कितना बिताता है, जो अब आप उन्हें घर में भी साथ नहीं रहने देना चाहती। अनीता जी अब बेड पर अपनी जगह लेट गई और उन्होंने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, जब आदि शुभी और अपनी शादी की अनाउंसमेंट सबके सामने करेगा तो गुंजन को भी पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप चुप रहिए और हम उन दोनों को अभी एक दूसरे से दूर रख रहे हैं ताकि वो दोनों आगे साथ रहें। संजीव जी ने अनीता जी की बात सुनकर चिढ़ते हुए कहा, हमें आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बच्चों को इस तरह से एक दूसरे से दूर रखना बिल्कुल गलत है। पता नहीं क्या चलता रहता है आपके दिमाग में, क्या सोचकर ये फालतू का फैसला किया आपने? अनीता जी ने अब संजीव जी को किसी बात का जवाब नहीं दिया। उनकी चुप्पी को देख संजीव जी भी अब उठकर अपने कपड़े बदलने चले गए। उनके जाते ही अनीता जी ने बाथरूम के डोर की तरफ देखा और फिर वापस से अपनी जगह पर लेटते हुए कहा, आपको जो समझना है समझिए, पर जब तक गुंजन यहाँ है उसे हम कभी पता नहीं चलने देंगे कि आदि ने अपना घर बसा लिया है। गुंजन को जो उसने हमारे बेटे के साथ किया वो अब आदि के साथ नहीं करने देंगे। आखिर ऐसा क्या किया था गुंजन बुआ ने विक्रम जी यानी कि आदित्य के डैड के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए। रूम में आदित्य और शुभी दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। इसके बाद शुभी खाने की ट्रे ले जाने लगी तो आदित्य ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, जल्दी से आना। शुभी ने बस हां में सिर हिलाया और जल्दी से रूम से बाहर निकल आई। शुभी किचन से वापस सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ आ रही थी कि तभी उसे शानिका दिख गई। वो अपना फोन चलाते हुए अपने रूम के बाहर वॉक कर रही थी। शुभी उसे देख जल्दी से पिलर के पीछे छिप गई। शुभी ने इस समय अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और इस समय उसकी मांग में सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र साफ दिख रहा था। अगर शानिका उसे इस तरह देखती तो जरूर उससे सवाल करती, ये सोच शुभी उसे देख छिप गई। कुछ देर बाद शुभी को अब शानिका को देखकर गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अपने रूम में जा ही नहीं रही थी और उसकी वजह से शुभी भी वहां से नहीं निकल पा रही थी। शुभी ने उसे देख गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, हे काना जी, क्या भीड़ भाड़ जमा हो गई है घर में, अब हर समय एक एक कदम संभाल कर रखना होगा। थोड़ी देर बाद फाइनली शानिका अपने रूम में चली गई। शुभी भी उसे जाते देख जल्दी से अपने रूम की तरफ भागते हुए आ गई। रूम में शुभी अंदर आई तो बेड पर आदित्य नहीं था। उसने अच्छे से चेक किया तो वो रूम में ही नहीं था। शुभी का मूड वैसे भी शानिका की वजह से खराब हो गया था और अब आदित्य को रूम में ना पाकर शुभी को गुस्सा आ रहा था। उसे शानिका और आदित्य का गले लगना याद आ गया। गुस्से में शुभी ने अपना रूम लॉक किया और अपना दुपट्टा साइड में पड़े काउच पर फेंक दिया। उसने रूम की लाइट ऑफ कर दी और बेड पर लेट गई। शुभी अपनी आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी बाथरूम का डोर खुला। शुभी ने आवाज सुन ली थी पर वो चुपचाप लेटी रही। आदित्य धीरे से उसके पास आकर लेट गया और उसने पीछे से शुभी को अपनी बाहों में लेते हुए पूछा, क्या तुम सो गई? शुभी ने आदित्य के हाथों को अपनी कमर से दूर हटाते हुए थोड़े गुस्से में उसे कहा, जाकर अपने रूम में सो जाइए, वरना नींद नहीं आ रही हो तो उस चुड़ैल को गले लगाकर सो जाइए, पर मेरे पास मत आइए। आदित्य शुभी की बात को सुन थोड़ा हैरान हो गया। वो सोच में पड़ गया कि शुभी को अचानक से क्या हो गया। उसे शुभी का चेहरा अपनी तरफ करते हुए उससे पूछा, क्या बोल रही हो तुम और किस चुड़ैल की बात कर रही हो? शुभी ने आदित्य की तरफ करवट लेते हुए उसे धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, वही चुड़ैल जिससे आप नीचे गले मिल रहे थे और इतना हंसकर बातें कर रहे थे। आदित्य शुभी की बात सुनकर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। तभी उसे याद आया कि नीचे तो वो शानिका से गले मिला था। अब आदित्य को समझ में आ रहा था कि शुभी क्या कहना चाह रही है और वो इतना गुस्से से उफन क्यों रही है, क्योंकि उसको जलन हो रही थी।
आदित्य के चेहरे पर शुभि को देख अब एक मुस्कान आ खिली और उसने शुभि के थोड़ा करीब आते हुए उससे कहा, अच्छा ऐसा क्या, मतलब तुम्हें जलन हो रही है शानिका से? शुभि ने आदित्य की टी शर्ट पकड़कर उसे अपने और पास खींचते हुए कहा, हाँ हो रही है जलन, अगर आपको उसे गले लगाकर इतना ही सुकून मिलता है तो आप उसको ही गले लगाओ, पर फिर मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जो दूसरी लड़कियों को गले लगाए। आदित्य शुभि की बात सुन शॉक था, उसकी क्यूट सी लिटिल वाइफ आज उस पर काफी ज्यादा भड़क उठी थी। आदित्य ने अब अपना गला साफ करते हुए शुभि से कहा, जान वो मेरी स्कूल टाइम की बेस्ट फ्रेंड थी, इतने दिनों बाद मिले तो बस एक नॉर्मल फ्रेंड वाला हक था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आदित्य ने शुभि के हाथों में से अपनी टी शर्ट छुड़वाते हुए आगे कहा, और वो तो मुझे सुकून कभी दे ही नहीं सकती, क्योंकि सुकून तो मुझे सिर्फ तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे मेरे पास होने पर ही मिलता है। शुभि आदित्य की बात सुनकर एक पल के लिए आदित्य को देखने लगी और फिर उसने अपना मुंह बनाते हुए आदित्य से कहा, हाँ झूठे कहीं के, और झूठ बोलना है तो वो भी बोल दीजिए। आदित्य मुस्कुराया और उसने शुभि के गाल को पकड़ उसके गाल पर जोर से किस कर लिया। उसने शुभि को देखते हुए कहा, बस करो, जलकर लाल हो गई हो, मैं आगे से कभी शानिका को गले नहीं लगाऊंगा। शुभि ने उसकी बात सुन अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। आदित्य मुस्कुराते हुए उसके कान के पास आकर धीरे से बोला, अब अगर तुम नहीं मानी या फिर मुझे झूठा बोला तो मैं सच में शानिका के पास जाकर उसको गले लगाकर सो जाऊंगा। आदित्य का इतना कहना भर था कि शुभि ने सीधे एक थप्पड़ आदित्य के गाल पर दे मारा और उसे धक्का देते हुए उसने कहा, हाँ तो जाइए, पर फिर मेरे पास मत आना, जाइए उसके पास। आदित्य अपना गाल पकड़कर शुभि को देख रहा था और शुभि उसको देख रही थी कि अचानक से आदित्य ने एक झटके में शुभि को अपने नीचे दबा लिया और उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहा, आजकल तुम्हारे हाथ बहुत चलने लगे हैं, कितना जोर से थप्पड़ मारा है, अब इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। ये कहते हुए आदित्य शुभि के होठों के करीब अपने होठ लाने लगा और उसने अपने होठों को शुभि के होठों पर रख दिया, पर वो आगे उसे किस कर पाता उससे पहले शुभि ने आदित्य के लोअर लिप को जोर से काट लिया। आदित्य दर्द से करहा उठा और जल्दी से शुभि के ऊपर से हटकर उसके बगल से लेट गया। उसने अपने होठों को टच करते हुए कहा, ओ गॉड, अब तो तुम मुझे काटने भी लगी हो। शुभि आदित्य को देखकर हंसने लगी और उसने हंसते हुए आदित्य से पूछा, अब जाना है आपको शानिका के पास? आदित्य अपना पपी फेस बनाते हुए बोला, नहीं मेरी माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना, मुझे मरना थोड़ी है अपनी शेरनी के हाथों। शुभि आदित्य की बात सुनकर और जोर से हंसने लगी। तभी आदित्य ने मौका पाकर उसे झटके से अपने पास खींच लिया और उससे पूछा, अब बताओ अब कैसे बचोगी मुझसे, बताओ अब मैं तुम्हें कहां बाइट करूं? शुभि आदित्य की बात सुन चुप हो गई। आदित्य शुभि की आंखों में देख रहा था, पर शुभि उसकी नजरें आदित्य के होठों पर थी। आदित्य के लोअर लिप से हल्का सा खून निकलने लगा था। शुभि को अब बुरा लग रहा था कि उसने आदित्य को काफी जोर से काट लिया है। वो आदित्य के गले लगते हुए बोली, सॉरी पर प्लीज आप मुझे बाइट मत करना, मुझसे गलती से हो गया। आदित्य तो शुभि को तंग कर रहा था, उसने सोचा कि वो शुभि को और थोड़ा तंग करे, इसलिए उसने शुभि से मना करते हुए कहा, क्यों ना करूं, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी, कितना जोर से मुझे काटा, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आदित्य की बात सुनकर शुभि की पकड़ आदित्य पर और कस गई और उसने आदित्य से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं प्लीज, आप ऐसे कैसे मुझसे बदला ले सकते हैं, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, मुझे नहीं कहना आता, पर इतना पता है कि आप बस मेरे हो और मुझे नहीं अच्छा लगा शानिका का आपको गले लगाना, अगर आप ऐसे उससे इतना हंसकर बातें करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, बात तो क्या मैं आपके पास भी नहीं रहूंगी, वापस चली जाऊंगी आगरा।
आदित्य को अपने गले पर कुछ गीला सा फील हुआ। उसे शुभी का चेहरा अपने सामने किया तो देखा शुभी की आंखों में आंसू आ गए थे। आदित्य ने शुभी के आंसू अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहा, तुम पागल हो बिल्कुल, इतनी सी बात पर रोने लगी। अरे वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरी ही नहीं सैम की भी, और तुम्हें लगता है मैं उसके पास जाऊंगा? मैं मजाक कर रहा था। आदित्य ने शुभी के सर को चूमते हुए उसे कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं मायला, और अब मैं उसे कभी गले क्या अपने पास भी नहीं आने दूंगा। अब खुश? शुभी ने आदित्य की बात सुन हां में सिर हिला दिया, पर उसकी आंखों में अब भी नमी थी। पता नहीं क्यों पर उसे शानिका अच्छी नहीं लगी। आदित्य ने शुभी के गाल पर किस करते हुए आगे कहा, मुझे तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, और तुम्हें वॉर्न कर रहा हूं, पहली और आखिरी बार फिर कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। आदित्य शुभी को डांटने लगा था, पर शुभी का तो ध्यान ही नहीं था आदित्य की बातों पर। उसका ध्यान एक बार फिर आदित्य के होठों पर था। वो आदित्य के होठों की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उन होठों से निकलता हल्का खून उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। शुभी ने अब बिना देरी किए अपने होठों को आदित्य के होठों पर रख दिए। वहीं आदित्य ने तो शौक होकर अपनी आंखें और बड़ी कर ली। इधर शुभी आदित्य से दूर हो गई। उसे होश आया कि अभी अभी उसने क्या किया। शर्म से शुभी ने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से आदित्य से कहा, आपकी संगति का असर है, आपने मुझे बिगाड़ दिया है। आदित्य शुभी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से शुभी का चेहरा ऊपर करते हुए बोला, अच्छा पर तुम अभी भी पूरी तरह बिगड़ी नहीं हो। शुभी आदित्य की बात सुन उसकी आंखों में देखने लगी। आदित्य भी शुभी की भीगी हुई आंखों में देखने लगा। शुभी ने अपना चेहरा थोड़ा और ऊपर उठाया और एक बार फिर अपने होठों से आदित्य के होठों को छू लिया। वो धीरे धीरे आदित्य के लोअर लिप को अपने होठों से दबाने लगी और उसे किसी छोटे बच्चे की तरह आदित्य के होठों को लॉलीपॉप समझकर सक करने लगी। इधर आदित्य शुभी के इस तरह किस करने से मन ही मन खुश हो रहा था। भले ही शुभी को ठीक से किस करना नहीं आ रहा था, पर उसे खुशी थी कि शुभी भी शायद उसे प्यार करती है और आज वो खुद से पहल कर रही है। आदित्य धीरे धीरे शुभी की पीठ पर अपने हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद शुभी की पकड़ आदित्य के होठों पर ढीली होने लगी। आदित्य को फील हुआ कि शुभी उसे ऐसे ही किस करते करते सो गई है। आदित्य ने शुभी को देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने ठीक से शुभी को सुलाया और उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। आदित्य ने प्यार से शुभी के माथे को चूमा और उसे निहारने लगा। ये पल आदित्य के लिए बहुत ही सुकून से भरा हुआ था। शुभी उसकी बाहों में थी। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं जान, और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। आदित्य की नजरें अभी भी शुभी पर ही थी। वो उसे कितना भी निहार ले पर मन ही नहीं भर रहा था। उसे शुभी के हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया, फिर वो उसके गले लगकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह के समय शुभी की नींद खुली तो उसने अपने आप को दूसरे रूम में पाया। फिर उसे याद आया कि उसे अभी कुछ दिन यहीं रहना है। उसने देखा कि उसके बगल में आदित्य नहीं था। उसने आदित्य की जगह पर अपना हाथ फेरा। एक उदासी शुभी के चेहरे पर छा गई। वो कितना भी आदित्य से दूर भाग ले पर एक बात सच थी, और वो ये थी कि उसे सुकून भी तभी मिलता था जब आदित्य उसके पास होता था। शुभी उठकर बैठ गई। उसका रोने का मन कर रहा था। उसने अपना फोन चेक किया, उसमें आदित्य के कई सारे मिस्ड कॉल थे। शुभी ने कॉल्स का टाइम चेक किया तो उसे पता चला ये तो कल के थे। वो चुपचाप उठकर बाथरूम में चली गई। अब उसे इस सब की आदत डालनी थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ये बिन बुलाए मेहमान आखिर कब तक यहां रहने वाले हैं। आखिर कब तक ये नए मेहमान शुभी की नाक में दम करने वाले हैं? जानने के लिए सुनते रहिए बाउंड टू हिम